हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लिसफुल लाइफस्टाइल। मैं हूँ तनु और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रेट आर्टिफैक्ट का सिरेमिक हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश के ऊपर। सो आज मैं इस प्रोडक्ट का आपको रिव्यू दूंगी एंड डेमो भी करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो मैं आपको पहले इसके क्लेम्स के बारे में बता देती हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है ये क्लेम करता है फास्ट, जेंटल एंड सेफ हेयर स्ट्रेटनिंग। सो वो बेसिकली ये आपके हेयर को बहुत जल्दी स्ट्रेट कर देगा, सेफली स्ट्रेट करेगा और आपके हेयर पे बहुत जेंटल भी है, मतलब आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा, ऐसा इसका क्लेम है। सो बेसिकली बात कर ली जाए इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे क्लेम करता है हीट्स अप टू 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो अगर इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये समथिंग 230 टू 250 सेल्सियस के अराउंड होना चाहिए। सो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है। ऑलराइट, सो बेसिकली अब इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर बाय चांस ये प्रोडक्ट हमसे स्विच्ड ऑन रह जाता है एक्सीडेंटली, तो ये 60 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा, जो कि एक सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, और इजी ऑन एंड ऑफ बटन्स है इसके अंदर, और इसकी जो कॉर्ड है वो भी काफ़ी लंबी है। जो इसके ब्रिसल्स है वो 3D सिरेमिक ब्रिसल्स है। सिरेमिक ब्रिसल्स होने का फायदा ये रहता है कि आपके बालों को एक बहुत अच्छी शाइन भी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है आपको। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये था अभी तक का इसका क्लेम्स और फीचर्स जो कि इस बॉक्स के ऊपर इम्प्रिंटेड है। सो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, उससे पहले देख लेते हैं इस वीडियो का डेमो। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द डेमो। सो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रोडक्ट प्रीहीट कर लिया था 230 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने इसको फुली प्रीहीट करा है। तो अब देखते हैं कि इसका डेमो कैसा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसका डेमो। एक सेक्शन ले लिया है अपने हेयर का, आप देख सकते हैं मेरे हेयर यहाँ से कितने वेवी से लग रहे हैं। ज्यादा वेवी नहीं है बट स्टिल आपको डेमो पता लगेगा। मैं अब अपने बालों को ऐसे स्ट्रेट कर रही हूँ। काफी ज्यादा गर्म हो गए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए हैं, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करके नहीं इसको किया है, जस्ट जल्दी जल्दी ही मैंने कॉम्ब आउट कर लिया, स्ट्रेट कर लिए। बट अगर इसको आप थोड़ा अच्छे से टाइम देके करते हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो ये प्रोडक्ट मेरे बालों के लिए तो बहुत अच्छा वर्क किया है एंड मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है।
जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे हेयर में एक अलग से शाइन आ गई है, बहुत लाइट वेट भी मेरे बाल मुझे फील हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट के साथ। सो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ये काफ़ी अफोर्डेबल है, हैंडी है, कन्वीनियंट टू यूज़ है, एंड सबसे बेस्ट पार्ट कि ट्रैवल फ्रेंडली है। एंड आपको कोई सैलो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एट होम ही अपने हेयर को स्ट्रेटन कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल एक्सपेंस। जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना है इस प्रोडक्ट के अंदर एंड यू आर गुड टू गो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टूडेज रिव्यू फॉर दिस स्ट्रेट आर्टिफैक्ट हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश। सो अगर आप हेयर स्ट्रेटनर या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग टूल्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट ट्राई आउट कर सकते हैं, ये काफ़ी एक अच्छा परचेज रहेगा आपके लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अभी आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड स्टे ट्यून्ड।